गाइस फाइनली मैं पहुंच ही चुका हूं बिल्कुल एकदम मंदिर के बाहर, और ये रहा बिल्कुल भव्य मंदिर मेरे सामने। गिटार इस पे सो व्हाट इज अप माय YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सारे भाई बढ़िया होंगे और अपने अपने घर में मौज ले रहे होंगे। तो सीन अभी कुछ ऐसा है, फाइनली हमें हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में कहाँ पे हम, ये देखो यहाँ कहीं हम सोनप्रयाग में, ये देखो कितनी बढ़िया जगह है। और ये हमारे रूम की हालत है, ये देख लो, ये हमारे राइडिंग जैकेट्स वगैरह सब कुछ ऐसे ऐसे, ये हमारे दो दो टेंट वेंट सब हमने ऐसे फैला फुलू के रखा हुआ है। और अभी अभी तुम्हारा भाई आया नहा के। कुछ ऐसा है, अभी आज है केदारनाथ के कपाट ओपन हुए, मतलब गेट खुले हैं, आज ओपनिंग सेरेमनी है केदारनाथ की 6:15 पे, जो हमारे को डेट मतलब टाइम पता लगा है। पर किसी रीज़न की वजह से हम रात को ट्रैक नहीं कर पाए, मतलब जाने ही नहीं दिया हमारे को रात को, किसी रीज़न से क्या साफ बता रहा हूँ मैं, पुलिस वालों ने हमें भाई जाने नहीं दिया रात को, वरना हम कर लेते रातों रात ट्रैक। पर कोई बात नहीं, अभी हम जा रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब देख लेते हैं ओपनिंग सेरेमनी अटेंड हो जाएगी, मतलब एक दो घंटे लेट से हो जाएगी कोई बात नहीं, पर जो ऊपर से मेरे पास वीडियो आई है वो आप देख लीजिए। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, ये हम जो सामान लेकर जा रहे हैं वो सिर्फ मेरा सामान जो है इतना सा है, जिसमें मेरा भी सामान है और इनका भी सामान है थोड़ा सा, पर और जो सामान लेकर जा रहे हैं वो देखो, ये भाई साहब ये भी लेकर जा रहे हैं, ये भी लेकर जा रहे हैं, और ये देखिए इधर इधर इधर, ये देखो भाई साहब ये जा रहा सामान ट्रैक पे नहीं, पिकनिक पे जा रहे हैं सारे। तो भाई साहब पार्किंग का तो ऐसा कुछ हाल है, ये देखो सारी पार्किंग फुल है, सारी पार्किंग, इतनी मुश्किल से बाइक की पार्किंग लगाई है, और इन कमरों के अंदर छोटी छोटी जगहों में पार्किंग लगा दी मैंने, और इनकी बुलेट भी यहीं कहीं पार्क कर दिया है ढूंढ डांड के जगह। चलो चलते हैं भाई, ये देखो भीड़ देखो कितनी सारी जा रही है ऊपर, और पार्किंग भी फुल थी, सब कुछ फुल है, ऊपर होटल होटल भी फुल है, इसलिए टेंट लेकर जा रहे हैं हम, पता नहीं हमें लगाने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, पर लेकर जा रहे हैं हम। तो भाई ये वाली लाइन देखो, ये जो लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पो की लाइन है, जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड का टेम्पो मिलता है, और लाइन कितनी लंबी है, पूरा पुल पार कर दिया ये लाइन ने, देख रहे हो 100 मीटर 150 मीटर का पुल है, पूरा भरा हुआ है। अंकल जी बहुत भीड़ है इस साल, है ना, इस साल बहुत भीड़ है, इस साल बहुत भीड़ है। आप पहली बार आ रहे हो? पहली बार। अच्छा तो हाँ बढ़िया है, और कैसा मजा आएगा, ऊपर पैदल जाओगे? हाँ पैदल ही जाना, पूरा ऊपर तक पैदल जाओगे, खच्चर उच्चर नहीं करोगे? नहीं नहीं हम तो पैदल ही जाते हैं। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई ये देखो एक गाड़ी में कितने बंदे बैठे हुए हैं, एक ड्राइवर बैठेगा, दो बंदे यहाँ बैठेंगे, चार बंदे इधर बैठे हुए हैं, बाकी चार पीछे देख रहे हो, और इको है एक, इको में इतने सारे लोग। तो भाई ये देखो गौरीकुंड पहुँच गए हैं, और गौरीकुंड में बाइक भीड़ बहुत हो रही है, बिल्कुल एकदम पतले पतले रास्ते गौरीकुंड के, और ये हम थोड़े से, तो हमको टैक्सी का इंतज़ाम हो गया था, थोड़ा सा रेफरेंस वगैरह लगा के हमने जुगाड़ पानी से टैक्सी करवा ली थी, तो इजीली मिल गई थी हमको टैक्सी, ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ा, फिर सीधा गौरीकुंड आ गए हम। और ये देखो भीड़ है, तो भाई ये देखो ये घोड़े ही घोड़े घोड़े ही घोड़े, और भीड़ देखोगे ये देखो पूरे ट्रैक पर कितनी भीड़ है, ऊपर तक भीड़ ही भीड़ भाई, हालत ख़राब, बिल्कुल ही हालत ख़राब होने वाली है रोड पे इस बार। तो भाई ये देखो भीड़ कितनी तगड़ी हो रही है, ये घोड़े पूछ लाते चल रहे, क्या हुआ? अरे मैं क्या हो गया, नहीं बताओ क्या हो गया, चलो चलो नहीं बताओ क्या हो गया, बहुत तगड़ी भीड़ हो गई भाई, ये देखो भाई सब इतनी बार केदारनाथ आ लिए पर इतनी भीड़ कभी नहीं देखी ट्रैक पर, वरना हमेशा ट्रैक खाली रहता है, और पीछे टेंट वेंट सब कुछ लोड करके रेन कोट पहन लिया कि बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो भाई यहाँ से दो रास्ते कट जाते हैं, एक घोड़े वाला रास्ता कट जाता है और एक इंसानों वाला रास्ता कट जाता है, मतलब एक्चुअली ये वाला रास्ता है 1.5 किलोमीटर लंबा और इजी है बहुत, क्योंकि नॉर्मल चढ़ाई ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, इजी इजी है। तो यहाँ से सारे घोड़े इस तरफ से जाते हैं और इंसान सारे इस तरफ से जाते हैं, और घोड़े क्या है देखो कितने सारे घोड़े हैं, ये देखो पूरी लाइन से घोड़े 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 घोड़े, ये देखो घोड़े 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 पूरी लाइन से घोड़े पीछे हुए हैं, और पूरा ऊपर तक घोड़े ही घोड़े जा रहे हैं, इंसान में से ज़्यादा घोड़े हैं भाई इस बार, कितनी भी बड़ी गलती करूँ ये वाली गलती मत करना कभी, कौन सी वाली मत समझ जाओ कौन सी वाली, ये कुछ भी कर लो जिंदगी में कुछ भी, ये वाली गलती कहीं मत करना ठीक है भाई। भाई तुम्हारे भाई ने डिसीजन ये लिया कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हें घोड़ा पड़ा वहाँ पे मिल जाना मेरे को,
घोड़ा पड़ाव से पहले मैं नहीं रुक रहा तुम्हारे वेट में, ठीक है। और करके मैं 4 बजे उनको छोड़ के निकल चुका हूँ, मुझे 4:10 हो रहे हैं, ये मेरे को ऊपर जाने दो। ये देखो भाई धीरे धीरे होली होली आते हुए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत हैप्पी हैप्पी ना। हाँ और बहुत तेज़ चल रही हो, क्या खा के आए आज ब्रेकफास्ट में, क्या खाया आपने? दो मैगी खाई और इतनी तेज़ चल रही, इतनी एनर्जी आ गई। हाँ। क्या बात है यार। ये देखो ये जो बादल हैं धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, हमारी पहुँचते ही बारिश का मतलब हमारी हमारे स्वागत में बारिश का प्रबंध करते हुए, बहुत बढ़िया। तो भाई यो जब से हम चले हैं तब से हमने पहला स्टॉप अब लिया है और शाम हो चुकी है, तो घोड़े घाड़े चल रहे हैं। अभी यहाँ पे हम खाएंगे पराठे, और ये शॉल कैसा लग रहा है बताओ, मैंने वो जो थी ना वो उड़ के घूम रही थी तो उनसे मैंने ले लिया, मैं कहा बारिश हो रही है मुझे दो क्योंकि एक्चुअली सीन ये हुआ, मैंने रेनकोट उतारा था अपना और ऐसा कुर्सी पर रखा था, अब 2-3 मिनट तक तो मैंने देखा ठीक था, 10-15 मिनट तक भी ठीक था, पता नहीं 1 मिनट पहले मैंने देखा था वो सही से रखा हुआ था, फिर अचानक से गायब हो गया। अब मैं क्या कर रही, गया तो गया, अब हम शॉल ओढ़ के बारिश में कर रहे हैं ट्रैक। और मौसम देखोगे, ये देखो मौसम, ये पराठा लगवा रहे हैं, और यहाँ पे आलू प्याज का पराठा नहीं मिलता कि प्याज बैन है, प्याज चिकन अंडा ये सब चीज़ें बैन है, तो इसलिए हम खाएंगे आलू का पराठा। और उनके लिए मैंने लगवाई है चाय, तो आ जाएगा मज़ा। तो भाई ये देखो पीछे बर्फीले पहाड़ हैं, दिखने लग गए हैं बिल्कुल प्यारे प्यारे। कुछ दिख रहा है क्या? मैं दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा, बस सामने मंदिर का टॉप दिख रहा है जहाँ बत्ती जल रही है, और इस टाइम बत्ती हमारी हो रखी है तेज। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच ही चुका हूं बिल्कुल एकदम मंदिर के बाहर, और ये रहा बिल्कुल भव्य मंदिर मेरे सामने, और लाइटनिंग कम हो रखी है इस बार, पहले तो वरना आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में कलरफुल लाइटें जलती हैं। ये तो यहीं आके बैठ गई कि चीन का इंश्योरेंस यहीं तक रह रही है, ये घर पर अपने वीडियो कॉल कर रही हैं कहीं पर, और ये भाई हैं इनके अपने साथियों से भटक गए आप हैं भाई? यस ब्रो। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएंगे तो मेरे फ़ोन में नेटवर्क आ रहे हैं भाई, कर लेंगे कॉल। ऐसा है अभी फिलहाल तो ये देखो यहाँ पे मतलब एकदम तगड़ा मतलब भीड़ लगी हुई है, मतलब लोगों की एकदम श्रद्धालुओं की, और यहाँ पे इतनी देर से अभी यहाँ पे अनार वनार चल रहे थे, स्काई शॉट चल रहे थे यहाँ पे, ये देखो भाई साहब गिटार इस पे देखा, मतलब एकदम ही स्वाद आ रहा है, मतलब स्वाद जो है ना, जय हो भोले बाबा की सारी तरफ जयकारा लग रही है, देखो देखो जयकारा लग रहा है हर जगह, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ओके अब हमने ले लिया अपना रूम और हम हो गए ऑल सेट, और अपने रूम के बाहर से जस्ट बालकनी से व्यू देखोगे, ये देखो ये रहा हमारा भव्य मंदिर, ये देखिए सामने। और अभी तो दर्शन हो नहीं पाए हैं, पर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के हम दर्शन करेंगे। तो फिलहाल तो ये व्लॉग था आज का, उम्मीद है व्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्यारा सा कमेंट कर देना। आज का मतलब नॉर्मल ट्रैक का व्लॉग था ये एक, और मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि आसपास सारे लोग सो गए हैं, बाकी और कुछ मतलब ऐसा भी हुआ यहाँ से सामने मंदिर है बस, बाकी ठीक है सब ओके, रिपोर्ट है। सोते हैं अभी फटाफट से, ये हमारा रूम है कुछ ऐसा जिसको हमने पूरा ये देखो अच्छे से फैला दिया, इसको अच्छे से जितना अच्छे से फैला सकते थे फैला चुके हैं। तो कमेंट में एक बार लिख देना हर हर महादेव। तो ठीक है फिर, टाटा बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे।